स्टैगफ्लेशन एंड कॉजेज। स्टैगफ्लेशन क्या है और दुनिया को स्टैगफ्लेशन के रिस्क का सामना क्यों करना पड़ता है? सबसे पहले आइए जानते हैं स्टैगफ्लेशन क्या है। जैसा कि नाम से पता चलता है, स्टैगफ्लेशन दो कॉन्सेप्ट्स को जोड़ता है, स्टैगफ्लेशन और इन्फ्लेशन। आमतौर पर स्टैगफ्लेशन तब होता है जब किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी हो जाती है, डिमांड लड़खड़ा जाती है और इन्फ्लेशन बढ़ने के बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। आमतौर पर अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की दरें अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। आइए देखते हैं कैसे। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट आमतौर पर ग्रोथ का समर्थन नहीं करती है, इसलिए जब ऐसा होता है तो डिमांड में कमी आ जाती है और इसी तरह इन्फ्लेशन भी होता है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम होने की संभावना होती है क्योंकि कंज्यूमर्स कम खर्च करते हैं या खरीदारी के लिए लिमिटेड पैसा होता है, इसलिए डिमांड कम होती जाती है और प्राइसेस और इन्फ्लेशन को नीचे लाती है। लेकिन 1970 की ग्रेट इन्फ्लेशन ने ये साबित कर दिया कि जब अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन एक ही समय में बढ़ती है और इकोनॉमी पर इसका विनाशकारी प्रभाव हो सकता है, तो स्टैगफ्लेशन वास्तविक है। स्टैगफ्लेशन का क्या कारण है? स्टैगफ्लेशन आमतौर पर सप्लाई में डिस्ट्रप्शंस के कारण होता है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान स्पष्ट था, लेकिन यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण बढ़ गया। स्टैगफ्लेशन के परिणाम क्या हैं और यह चिंताजनक क्यों है? स्लो ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट और फास्ट इन्फ्लेशन का ट्राइफेक्टा इकोनॉमी पर महत्वपूर्ण दबाव डालता है। इन्फ्लेशन का मुकाबला करने के लिए सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, जो फिक्स्ड इनकम मार्केट्स के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि बढ़ती इंटरेस्ट रेट्स बॉन्ड प्राइसेस को कम करती हैं और उसी के साथ इक्विटी वैल्यूएशन को भी कम करती हैं। मार्केट से कैपिटल जुटाना और लोन लेना महंगा हो जाता है और बिजनेस में विस्तार भी धीमा हो जाता है। घरों के लिए स्टैगफ्लेशन का मतलब है कि लोग फूड और मेडिसिन से लेकर हाउसिंग और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तक हर चीज पर अधिक खर्च करते हुए कम पैसा कमा रहे हैं। जैसे जैसे कंज्यूमर स्पेंडिंग धीमी होती है, कॉर्पोरेट रेवेन्यू में गिरावट आती है, इकोनॉमी पर ओवरऑल प्रभाव तेज होता है। स्लो ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट और फास्ट इन्फ्लेशन के ट्राइफेक्टा में से पहले से ही हम मुख्य रूप से स्लो ग्रोथ और फास्ट इन्फ्लेशन देख रहे हैं। कई इकोनॉमिक्स स्टैगफ्लेशन के कगार पर हैं और हमने 1970 में देखा था कि वर्ल्ड इकोनॉमी पर इसका कितना विनाशकारी प्रभाव पड़ा और इसने दुनिया को चिंतित कर दिया था। आशा है कि इस वीडियो ने आपको स्टैगफ्लेशन और इसके कॉजेस के बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद की होगी। अधिक जानकारी के लिए www.tradewolves.in पर हमारे साथ जुड़े रहें और प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध हमारे ऐप ट्रेड बुल्स टच को डाउनलोड करें। धन्यवाद।